हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम फैंटेसी में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको टीम प्रोवाइड करने वाले हैं जो कि होगा इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच तीसरा और आखिरी टेस्ट मुकाबला खेला जाने वाला है, तो इसकी हम आपको ड्रीम इलेवन की टीम सजेस्ट करेंगे। दोस्तों पिच के बारे में मैं ये बता दूँ कि पिच जो है एक स्विमिंग ट्रैक होगा जो कि आप जानते ही हैं इंडिया जो है प्रैक्टिस कर रहा है, साउथ अफ्रीका जाने वाला है, तो उसकी जो है एक प्रैक्टिस के लिए उन्होंने ये अपील की है क्यूरेटर से कि वो जो है स्विमिंग पिच बनाए जो कि घास हो पिच पे, तो उस हिसाब से जो है अपनी टीम एडजस्ट करने वाला है। दोस्तों ये भी बता दूं कि जो है इंडिया अभी लीड कर रहा है सीरीज़ को, मतलब अच्छा पोजीशन पे इंडिया अपने आप को पा रहा है, तो हो सकता है कि दोनों टीम की तरफ से थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। वो चेंजेस क्या होंगे जान लेते हैं। चलिए मैं आपको टीम बता देता हूँ। दोस्तों हम यहाँ विकेट कीपर में जो है निरोशन डिकवेल्ला को रखेंगे। रिद्धिमान साहा जो है बैटिंग इनका आना बहुत मुश्किल है, जो कि इंडियन टॉप ऑर्डर जो है बहुत फॉर्म में है, तो दोस्तों निरोशन डिकवेल्ला को अच्छी खासी बल्लेबाजी करने को मिल सकती है। चलिए वहीं बैट्समैन की बात करते हैं, तो दोस्तों हमने जो है विराट कोहली को रखा है और चेतेश्वर पुजारा को रखा है। ये दो जो है अच्छे फॉर्म में है और विराट कोहली ने डबल सेंचुरी भी लगाई थी, तो और चेतेश्वर पुजारा भी कंसिस्टेंटली रन स्कोर कर रहे हैं, तो इनको हमने रखा है। दोस्तों यहाँ पे ओपनिंग में थोड़ा बहुत ये आ गया है कि मुरली विजय और शिखर धवन और लोकेश राहुल तीनों अवेलेबल हैं। शिखर धवन पिछले मैच नहीं खेले थे लेकिन अभी अवेलेबल हैं, तो दोस्तों हो सकता है कि लोकेश राहुल को जो है बिठाया जाए और जो है शिखर धवन और मुरली विजय ओपन कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का कॉम्बिनेशन देखने को मिल सकता है। और लहिर उत्तरमान ने अनअवेलेबल है, इनको इंजरी हो गई है तो अनअवेलेबल रहेंगे। तो दोस्तों हमारे जो है यहाँ पर मुरली विजय रहेंगे नेक्स्ट बैट्समैन, और दोस्तों नेक्स्ट रहेंगे हमारे रोहित शर्मा। तो ये जो है हमारे चार बैट्समैन होंगे दोस्तों, होंगे चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली और रोहित शर्मा और मुरली विजय। ये जो है चार बैट्समैन हमारे रहेंगे दोस्तों। और दोस्तों ऑलराउंडर की बात की जाए तो दोस्तों हमने यहाँ पे रविचंद्रन अश्विन और दिलवान परेरा को रखने का फैसला किया है। चलिए बॉलर्स की बात करते हैं। बॉलर्स में दोस्तों भुवनेश्वर कुमार और रंगन हैरत दोनों अनअवेलेबल हैं। रंगन हैरत इंजर्ड हैं और भुवनेश्वर कुमार जो है अपने मैरिज से अभी जो है उनको अभी ये नहीं हुआ है कि फ्री नहीं हुए हैं अभी तक, तो हिसाब से वो भी अनअवेलेबल रहेंगे। और मोहम्मद शमी जो है अभी फिट हैं, तो हो सकता है रिप्लेस कर ले या ईशांत शर्मा या उमेश यादव की जगह ये खेल सकते हैं टीम में। लेकिन देखा जाए तो रोहित शर्मा जो है अच्छा परफॉर्म किया था, तो उस हिसाब से हो सकता है कि मोहम्मद शमी को रेस्ट दिया जाए। और हमारे बॉलर रहेंगे दोस्तों यहाँ पे सुरंगा लखमार, उमेश यादव, ईशांत शर्मा को हमने जो है यहाँ पे रखा है। दोस्तों वहीं बात की जाए श्रीलंका की तरफ से, तो दोस्तों जेफरी वेंडरसी दोस्तों ये जो है रंगन हैरत की जगह रिप्लेस कर लिए गए हैं, लेकिन हो सकता है कि इनको खिलाया जाए। 90% चांसेस है, 90-95 या 100% आप चांसेस कह सकते हैं कि इनके खिलाया जा सकता है, लेकिन फिर भी जो है हम यहाँ पे इनको नहीं पिक कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे हो सकता रविंद्र जडेजा को हम पिक कर सकते थे, लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्रेडिट का इश्यू है तो इसलिए हम यहाँ नहीं पिक कर पा रहे हैं। चलिए बैट्समैन में किसी को देख लेते हैं। दिनेश चंडीमाल एक अच्छा ऑप्शन रहेंगे दोस्तों, आप जो है इनको ले सकते हैं। तो ये एक इस तरह कुछ हमारी टीम बनती है। चलिए हम इस टीम के लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन देख लें। तो दोस्तों हमारे कैप्टन रहेंगे विराट कोहली, तो ये हमारे अच्छे ऑब्वियस चॉइस रहेंगे। और दोस्तों यहाँ पे चेतेश्वर पुजारा या तो रोहित शर्मा को जो है आप वाइस कैप्टन दे सकते हैं, रविचंद्रन अश्विन को दे सकते हैं, ये एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे। दोस्तों ये जो है ऑप्शन हो सकते हैं कि इनको आप वाइस कैप्टन या कैप्टन दे सकते हैं। मुरली विजय भी एक अच्छा ऑप्शन रहेंगे दोस्तों टॉप ऑर्डर में, और दिनेश चंडीमाल को भी आप दे सकते हैं। चलिए हमारी टीम कंप्लीट हो गई है, आप एक बार जो हमने अभी टीम बनाई उसका प्रीव्यू देख लीजिए। ये रहेगा प्रीव्यू, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हमारी टीम वन जो है हमने बनाई थी, तो उसका आप एक बार प्रीव्यू देख सकते हैं। तो ये थोड़ा बहुत जो है हमने यहाँ पर रिस्क जो है मोहम्मद शमी के ऊपर लिया है, जो कि हम मानते हैं कि अगर आते हैं ये खेलने तो ईशांत शर्मा की जगह जो है रिप्लेस किए जा सकते हैं। तो हमने जो है ईशांत शर्मा की जगह जो है मोहम्मद शमी को लिया है और उमेश यादव को हमने रखा है। और जो है यहाँ पर दोस्तों हमने बैट्समैन में थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं, जो कि आप देख सकते हैं शिखर धवन, विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा हमारे हैं। और दोस्तों यहाँ पर हमने रोहित शर्मा को ड्रॉप किया है, और दोस्तों एंजेलो मैथ्यूज़ को हमने रखा है, और दोस्तों यहाँ पर दिमुत करण रत्न को जो है हमने ले लिया है। तो ये हमारे जो है चेंजेस रहेंगे। आप जो टीम प्रेफर करते हैं तो उसके साथ आप जा सकते हैं,
या तो आप अपने हिसाब से टीम बना सकते हैं, या तो आप जो है हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको जो है आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह आप जो है टीम अपनी कॉम्बिनेशन को बिठा सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा तो आप जो है वहाँ से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, एकदम फ्री है, कोई पेड़ वाला चक्कर नहीं है, आप फ्री में जो है सारा कुछ वहाँ पे अपडेट्स ले सकते हैं हर मैचेस के। दोस्तों ये भी मैं बता रहा हूँ कि जो है आज के जो मैचेस हुए थे रैम स्लैम T20 के, तो वो हमने जो है अपलोड नहीं किए ड्यू टू मेरे स्टडीज़ के कारण, जो है मैं इसको मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, और जो है स्क्वाड्स में बहुत सारे चेंजेस भी हो रहे हैं हर टीम में हर मैच में हो रहे हैं, तो दोस्तों उस कारण से जो है मैं ये लीग नहीं अपलोड कर पा रहा, तो हो सकता है मैं इन फ्यूचर इसको ऐड कर लूँ, लेकिन दोस्तों कोशिश करूँगा ऐड करने की। अगर आप चाहते हैं प्रोवाइड हो तो आप ज़रूर जो है कमेंट में कमेंट कर दें, हाँ या ना कुछ भी हो आप कमेंट कर सकते हैं, तो आपका रिस्पांस देख के मैं जो है इसको जो है अपलोड करने की कोशिश करूँगा। वैसे भी दोस्तों बहुत सारे रिस्की मैचेस हो रहे हैं, तो इसलिए मैंने जो है उसको ना देने का फैसला किया है। आप जो है उसका आप अपना जो है राय बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।